हमारी भी बात सुने और हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर जल्द कराए। मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर सरकार के पास जाते हैं, उनको पत्र लिखते हैं। कुछ लोग सीएम को लिखते हैं तो कुछ लोगों का पत्र पीएम को भी लिखा जाता है। लेकिन हाल ही में महज 12 साल की दो सगी बहनों ने पीएम मोदी को एक इमोशनल चिट्ठी लिखी, जिसके बाद से हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। ये कहानी है दो सगी बहनों की जो अपने माता पिता से दूर अपने चाचा चाची के पास रहती है, जिनकी उम्र महज 12 साल है, जिनके माता पिता उनके साथ नहीं रहते। ये मामला जयपुर का है, जहां पर रहने वाली 12 वर्षीय अर्चिता और अर्चना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई करने के लिए उनके ट्रांसफर की मांग की है। अब इस पत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने उसके नीचे एक चित्रण बनाया है। उस चित्रण के द्वारा वो अपनी मार्मिक दशा बताने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी हमारी भी बात सुने और हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर जल्द कराए। मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि माता पिता अपनी ही बच्ची के साथ नहीं रहते। वैसे तो ये कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर ऐसा क्या हुआ कि दो बेटियां अपने माता पिता से दूर चाचा चाची के पास रहने को मजबूर है। कहते हैं माँ ममता की मूरत है तो पिता मजबूती की मिसाल, माँ स्वर्ग की राह है तो पिता स्वर्ग का द्वार, और इन दोनों के होने से ही हमारा ये संसार है। ये कहना है अर्चिता और उसकी बहन अर्चना का। अब दोनों बहनों ने पत्र में क्या लिखा है आपको पढ़कर सुनाते हैं। मेरा नाम अर्चिता है और मेरी बहन का नाम अर्चना है। हम दोनों की आयु 12 वर्ष है और हम दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीकुई में कक्षा 6 की छात्रा हैं। हम दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। हमारे पिताजी का नाम देवपाल मीणा तथा माताजी का नाम श्रीमती हेमलता मीणा है। हमारे पिताजी पंचायत समिति चौहटन में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर काम करते हैं। हमारी माताजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवड़ा में अध्यापिका के पद पर काम करती हैं। हम दोनों बहनों को अपनी माता पिता की बहुत याद आती है तथा उनके बिना हमारा पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता। हम दोनों चाहते हैं कि हमारे माता पिता का स्थानांतरण जयपुर हो जाए और हम भी जयपुर में अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। हमने आपके कई अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि सुने और देखे हैं और हमें उनसे बहुत प्रेरणा भी मिली है। हमें भी हमारे माता पिता के साथ रहना है और उनका नाम रोशन करना है। कृपया हमारे माता पिता का स्थानांतरण जगतपुरा जयपुर करा दीजिए, हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी हमारी भी बात सुने और हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर जल्द कराए। मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। अब अंत में आपको दिखाते हैं जब हमारी टीम ने अर्चिता और अर्चना से बात की तो उनका क्या कहना है। ड्राइंग तो ये करी थी कि हम लोग कितना दूर दूर रहते हैं एंड हमको जयपुर आना है अपने फ्लैट पे, और मांग ये करी थी कि हमारे पापा मम्मी का ट्रांसफर एक जगह जयपुर हो जाए जिससे हम उधर ही पढ़ाई कर सकें। और उन्होंने 2 साल पहले फ्लैट भी लिया था तो हमारी पढ़ाई के लिए लिया था कि हम उधर पढ़ाई कर सकें, लेकिन फिर वो उनकी जॉब बाढ़ में समझ रही है और हमारी स्कूल इधर है तो हम ये कर नहीं पाए। तो मम्मी पापा भी दूर दूर जॉब करते हैं, हम भी इधर पढ़ते तो बहुत कम मिल पाते हैं, तो मम्मी पापा का ट्रांसफर जयपुर हो जाए। मोदी जी को सबसे पहले तो नमस्ते, एंड उसके बाद मोदी जी की मैंने बहुत सारे अभियान देखे थे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। तो हम ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी हमारी भी बात सुने और हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर जल्द कराए। मेरा नाम अर्चिता है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीकुई क्लास 7 में पढ़ती हूँ। सर देखो, ये 5th क्लास में पढ़ती थी तब यहाँ पे आई थी, तब से यहीं पे हैं। अब बच्चों का वैसे मन तो होता है कि माँ बाप के साथ ही रहे, पर मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। क्या करें, अब सरकार से पहले काफी बार गुजारिश कर चुके तो कुछ नहीं किया सरकार ने, कोई एक्शन नहीं लिया। 3rd ग्रेड के बैन नहीं खुल रहे, पापा का भी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा, मम्मा का भी यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से बच्चों को यहीं पे रहना पड़ता है। वैसे हम मन से तो अच्छे रख रहे हैं, फिर भी माँ बाप की याद तो आती है बच्चों को। सर हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों की इच्छा पूरी हो और इनको मतलब इनके माँ बाप के साथ रहना पड़े है और इनका माँ बाप को प्यार मिले। बच्चे पता नहीं कितने दिन तक साथ है, कितने बाद में बड़े होकर ससुराल चले जाएंगे, तो माँ बाप का प्यार तो बच्चों को मिल नहीं पाएगा अच्छे से।
तो यही गुजारिश है सरकार से कि इनकी ख्वाहिश पूरी करे सरकार, माँ बाप का ट्रांसफर एक साथ और एक जगह ही रहे।